व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मेरा वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वाला वीडियो का अंदर मैं आप लोग को स्नैपचैट के कुछ स्टेप का फोटो का फेस को स्मूथ करना एंड फेस को आप लोग व्हाइट करना सारे स्टेप इस वाला वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। ओके, सो वाला वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़िया बने बोले इस वीडियो को फटाफट एक लाइक कर देना। चैनल पर आप लोग नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही बहुत सारा वीडियो देखने के लिए। और मुझे इंस्टा पर भी जाकर फॉलो कर लेना, इंस्टा का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो चलिए वीडियो के आप स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर सबसे पहले ये वाला बैकग्राउंड को आप लोगों को ओपन कर लेना स्नैपचैट ऐप के अंदर, तो मैं पे वाला बैकग्राउंड को स्नैपचैट ऐप के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ओके, ऐप पे देख सकते हैं फोटो ऐप स्नैपचैट ऐप के अंदर ओपन हो चुका है, यानी कि ये वाला बैकग्राउंड, ठीक है। एंड वाला बैकग्राउंड के अंदर आप लोग को मॉडल को ऐड कर लेना है, यानी कि आप लोग का फोटो यानी कि मॉडल को ऐड कर लेना है। सो हमारा आज का मॉडल को ऐड कर लेता हूँ। ओके, सो मॉडल को ऐड करने के लिए आप लोग को जाना है पेंसिल टूल के अंदर, एंड इसके अंदर से आप लोग को सिलेक्ट कर लेना डबल एक्सपोजर। ओके, तो मैं पे डबल एक्सपोजर के अंदर क्लिक कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग इमेज प्लस, इसको ऊपर क्लिक करके आप लोगों का फोटो यानी कि मॉडल को ऐड कर लेना है। सो हमारा ये वाला मॉडल को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला मॉडल को ऐड करने के बाद आप लोगों को इसको सही तरीके से एडजस्टमेंट करना है। एंड यहाँ पे आप लोग इस वाला टूल के अंदर क्लिक करके इसके अमाउंट को आप लोगों को 100 कर लेना है एंड राइट पे क्लिक कर लेना। ओके, एंड फिर से आप लोग इस वाला टूल के अंदर क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा व्यू एडिट्स, इसको ऊपर क्लिक करके आप लोग को डबल एक्सपोजर को लेयर को सिलेक्ट करके ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा इन बट, इसको ऊपर आप लोग क्लिक कर लेना है। इसको जीरो करके आप लोग कुछ इस टाइप से फोटो को जूम करना है एंड इरेज कर लेना है, ठीक है। तो मैं पे वाला फोटो का बैकग्राउंड को इरेज कर लेता हूँ इस टाइप से। तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देके फोटो का बैकग्राउंड को इरेज कर लेना, ठीक है। तो मैं भी थोड़ा सा टाइम देके फोटो का बैकग्राउंड को इरेज कर लेता हूँ। ओके, सो इस टाइप से आप लोग सही तरीके से बैकग्राउंड को इरेज कर लेने मॉडल से। ओके, अब आप लोग राइट पे क्लिक कर लेने एंड यहाँ पे देख सकते कितना परफेक्ट तरीके से यहाँ पे मॉडल का बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। ओके, अब आप लोग को बैक करना है। ओके, बैक करने के बाद ये वाला फोटो का फेस को आप लोग व्हाइट कर लेने। फेस को व्हाइट करने के लिए आप लोग को पेंसिल टूल के अंदर क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा सिलेक्टिव वाला टूल, इसको आप लोग को सिलेक्ट कर लेने। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को फोटो का फेस के अंदर कुछ इस टाइप से रखना है। दोनों फिंगर से आप लोग कुछ इस टाइप से फेस को सिलेक्ट करके इसका सैचुरेशन को आप लोगों को माइनस करना है एंड इसका ब्राइटनेस को आप लोगों को बढ़ाना है, ठीक है। तो मैं आप इसका ब्राइटनेस को रख देता हूँ इतना, यानी कि 64। एंड मैं पे कर देता हूँ राइट पे क्लिक। राइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते फोटो का फेस कितना ज़्यादा व्हाइट टाइप का यहाँ पे हो चुका है। अब आप लोग को ये वाला शर्ट का कलर को चेंज कर लेना है। ओके, शर्ट का कलर को चेंज करने के लिए आप लोगों को जाना है पेंसिल टूल के अंदर, इसके अंदर से आप लोगों को डबल एक्सपोजर को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं आप इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड प्लस इमेज के अंदर क्लिक करके आप लोग को ये वाला इमेज को ऐड कर लेना है। ओके, तो ये वाला इमेज को आप लोग को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आप लोग इसको सही तरीके से शर्ट के अंदर रखना है। ओके, जाना इसका ब्लेंड टूल के अंदर एंड इसको आप लोग कर लेना ओवरले। तो यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को ओवरले, इसको ऊपर आप लोग टैप करना है एंड राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। राइट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को फिर से इस वाला टूल के अंदर क्लिक कर लेना है एंड जाना आप लोग को व्यू एडिट्स के अंदर, इसके अंदर से आप लोग को डबल एक्सपोजर को लेकर सिलेक्ट करके ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, एंड इसको 100 करके आप लोग कुछ इस टाइप से जूम करना है एंड ब्रश कर लेना सेफ शर्ट के अंदर। तो मैं आप इसी टाइप से ब्रश कर लेता हूँ। ओके, सो इस टाइप से आप लोग ब्रश कर लेना। अब आप लोग राइट पे क्लिक कर लेना, ठीक है। राइट पे क्लिक करने के बाद फिर से आप लोग डबल एक्सपोजर के अंदर जाके आप लोग को ये वाला इमेज को फिर से ऐड कर लेना है। ओके, तो मैं यहाँ पे डबल एक्सपोजर के अंदर क्लिक करके ये वाला इमेज को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ग्रीन कलर के इमेज को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ एंड फिर से मैं जाता हूँ ब्लेंड टूल के अंदर, फिर से ओवर क्लिक कर लेता हूँ एंड राइट पे क्लिक कर लेता हूँ एंड फिर से इस वाला टूल के अंदर क्लिक करके व्यू एडिट्स के अंदर क्लिक करके आप लोग को डबल एक्सपोजर को लेयर को सिलेक्ट करके ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है एंड कुछ इस टाइप से इसको ऊपर भी आप लोग को ब्रश कर लेना, ठीक है। यानी कि डुअल टोन के अंदर हम लोग ये वाला एडिटिंग करने वाले हैं, तो आप लोग को भी इस टाइप से करना है तो कर सकते हो। ओके, नहीं करना है तो आप लोग स्किप भी कर सकते हो। ओके, सो इस टाइप से आप लोग ब्रश कर सकते हो। अब आप लोग को राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। राइट पे क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं वाला फोटो के अंदर इस टाइप का इफेक्ट आ चुका है एंड कुछ इस टाइप का आप लोग सीव एडिटिंग कर पाओगे। ओके, इसका फेस को स्मूथ कर लेना, ठीक है। फेस को स्मूथ करने के लिए आप लोग पेंसिल टूल के अंदर क्लिक कर लेना है। सबसे नीचे को जाके यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को लेंस ब्लर, इसको ऊपर आप लोग क्लिक कर लेना है। ओके,
क्लिक करने के बाद दोनों फिंगर से इसको छोटा कर लेना है एंड कॉर्नर पे छोड़ना है कुछ इस टाइप से। एंड इसका साइज को आप लोगों को थोड़ा सा बढ़ाना है, यानी कि आप लोग को रख लेना है 24x5 ठीक है। एंड राइट पे क्लिक कर लेना है एंड जाना है आप लोगों को फिर से इस वाला टूल के अंदर एंड इसके अंदर से आप लोग को व्यूअर इसको सिलेक्ट कर लेना है, लेंस ऑफ ब्लर को सिलेक्ट करके आप लोग इसका ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है ओके। एंड इसको आप लोग को 75 रखना है एंड कुछ इस टाइप से फेस के अंदर आप लोग को ब्रश करना है ठीक है। एंड आप लोग का फेस स्मूथ हो जाएगा, तो इसी टाइप से आप लोग फेस को स्मूथ कर पाओगे ठीक है स्नैपसीड ऐप के अंदर। एंड बहुत ही आसान तरीके से ये वाला ट्रिक को आप लोग काम कर पाओगे, यानी कि ये वाला ट्रिक का आप लोग फायदा ले पाओगे ओके। तो इस टाइप से आप लोग फोटोग्राफ फेस को स्मूथ कर लेना। अब आप लोग राइट पे क्लिक कर लेना है ओके। राइट पे क्लिक करने के बाद बिफोर आफ्टर देख सकते हो ये वाला फोटो के अंदर कितना ज़्यादा अंतर आ चुका है। सिर्फ आप लोग को ये वाला फोटो का हेयर को एडिटिंग कर लेना है ठीक है। सो वाला हेयर को एडिटिंग करने के लिए आप लोग ये वाला फोटो को ओपन कर लेना है ऑटो स्केच बुक ऐप के अंदर। तो आप लोग स्नैपचैट से ही शेयर कर सकते हो ऑटो स्केच बुक ऐप के अंदर, उसके लिए आप लोग शेयर टूल के अंदर क्लिक कर लेना है ठीक है। एंड ये वाला फोटो को आप लोग को ऑटो स्केच बुक ऐप के अंदर ओपन कर लेना है। तो मैं आपको ऑटो स्केच बुक ऐप के अंदर ये वाला फोटो को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फोटो ऑटो स्केच बुक ऐप के अंदर ओपन हो चुका है। सो इसी टाइप से आप लोगों को फोटो को ऑटो स्केच बुक ऐप के अंदर ओपन कर लेना है। सबसे पहले इसका हेयर को एडिटिंग कर लेना है, उसके लिए आप लोग इस वाला टूल के अंदर क्लिक कर लेना ओके। एंड सबसे नीचे को रख के आप लोग कुछ इस टाइप का स्मार्ज वाला ब्रश देखने को मिलेगा ओके। इसके अंदर से आप लोग वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेना एंड जाना आप लोग सेटिंग पे, सेटिंग का साइज को इतना ही रख लेना, यानी कि इसका फ्लो कर देना 19% एंड इसको भी आप लोग को 19% रखना है ठीक है। फोटो के हिसाब से आप लोग रख लेना एंड साइज को फोटो के हिसाब से आप लोग को रख लेना है 10x9 ठीक है। एंड कुछ इस टाइप से आप लोग हेयर के ऊपर ब्रश कर लेना, यानी कि हेयर को एडिटिंग कर लेना। तो मैं यहाँ पे पूरा ही हेयर को एडिटिंग कर लेता हूँ ठीक है। आप लोग साइज को थोड़ा सा कम करके हेयर को एडिटिंग कर लेना ओके। तो आप लोग को दिखाने के लिए मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा दिया एंड आप लोग साइज को थोड़ा सा कम करके थोड़ा सा टाइम देंगे कुछ इस टाइप से हेयर को एडिटिंग कर पाओगे ओके। तो मैं यहाँ पे फटाफट कर लेता हूँ ठीक है। इस टाइप से आप लोग हेयर को एडिटिंग कर पाओगे ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा साइज को कमा लेना तो अच्छे तरीके से होगा। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कर लिया ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा नहीं भी हुआ, लेकिन आप लोग इसी टाइप से हेयर को एडिटिंग कर पाओगे साइज को कम करके ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फोटो एडिटिंग हो चुका है कम्प्लीट, यानी कि इसका हेयर भी एडिटिंग हो चुका है, फोटो भी एडिटिंग हो चुका है ठीक है। यानी कि हमारा फुल फोटो एडिटिंग हो चुका है कम्प्लीट। फोटो को सेव करना है, सेव करने के लिए आप लोग को ये वाला फोटो को इस वाला टूल के अंदर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे गैलरी के अंदर क्लिक करके सेव पे क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना है गैलरी के अंदर ओके। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।